जगाने आपके कॉमेडी की प्रीत आ रहे हैं मनप्रीत सिंह फ्रॉम अमृतसर। सत श्रीकाल मैम। सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी। मैं स्टेज पे ना सिर्फ एक बात करने आया हूँ, सीरियस बात है वो, कि जो मजे आप सबको मिल रहे हैं हम पंजाबी वो मजा क्यों नहीं ले पा रहे? क्यों? वो है ट्रैवल करते टाइम सोना। आप सब सोते हो ना, हम पंजाबी ट्रैवल करते टाइम सो नहीं पा रहे। क्यों? पंजाबी इसकी वजह से, बस इसकी वजह से। क्योंकि हमारे साथ वाली सीट पे जो बंदा बैठा ना, हमें देख के वो बंदा बंदा रहता ही नहीं है, वो बन जाती है मजे लेने वाली मशीन। सारी दुनिया एक्सक्यूज मी सर मिस्टर ना, हमारे लिए एक ही वर्ड बना है, वो है पाजी। पाजी। अब यहाँ देख लो, मनप्रीत पाजी, सुरेंद्र पाजी, अर्चना पाजी, सॉरी अर्चना पाजी, चलेगा चलेगा। मैं खड़ा हूँ, मेरे डैडी खड़े, मैं पाजी, मेरे डैडी भी पाजी। अब मैं बस में बैठा हूँ, साथ वाली सीट में मशीन चालू हो चुकी है, पाजी। पाजी पाजी कहाँ कहाँ से? मैं कहा अमृतसर से। वाओ कुलचे बड़े सही मिलते हैं आपके यहाँ। आप तो कुलचे खाते होंगे, आपको तो घर में बनते होंगे। मैं कहा हाँ, ये बात तूने सही की है, कुलचा हमारा जीवन मरण है। हम बीमार हो डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर पर्ची पे दवाई थोड़ी लिखता है, कुलचा लिखता है। हमारा सगा दादा आईसीयू में मर रहा, उन्हें जाके पूछे पापा जी आखिरी बच्चे बच्चे कुलचा खवा दे। सारी दुनिया को पता नहीं क्यों लगता है हम पंजाबियों के घरों में तीन तरह की बातें होती, पहला खाने की, दूसरा पीने की, तीसरा खाने पीने की। हम बहुत बहुत हैवी नाश्ता कर रहे हैं यार। आपके घर में बनते चीज के परांठे? नहीं, हमारे घर में बनते हर चीज के परांठे। हमारा नाश्ता देखा यार, हमने परांठे बनाए पूरी दुनिया में भेज दी, उसकी रेसिपी सुनो। हाँ। उसमें है 100 ग्राम आटा, 450 ग्राम आलू, आधा किलो दही, पाया मक्खन। हाँ, और ये नाश्ता करवा के हमें निकाल देते हैं, समझ ही नहीं आ रही क्या हो गया। माए हैवी नाश्ता करा के बच्चों को स्कूल भेज रही है, लास्ट बेंच पे बच्चा बैठा है, टीचर कह रही कमलप्रीत खड़े हो जाओ, पीछे देख के कह रहा कौन मैं? क्योंकि यहाँ तक है आटा, यहाँ आलू, दिमाग का दही हुआ पड़ा सारा। मैं देसी स्कूल वाला गांव से, और मेरे चेहरे पे कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि आजकल के बच्चों को मिल रहा है भर भर के कॉन्फिडेंस। देखा आपने स्कूल में बच्चों को लेके जा रहे हैं पेरेंट टीचर मीटिंग में, माँ बाप को बिठाया, बच्चे को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं टीचर, ये भाई साहब सीए बनेगा, इसकी तैयारी अभी एलकेजी में है वो। हमारी नहीं होती थी मीटिंग, हमारे होते थे स्यापे। जब मेरे को किसी ने पीटा है, जब मैंने किसी को पीटा है, जब हम दोनों ने मिलके मास्टर को पीटा है, फिर बुलाते माँ बाप आओ जरा स्कूल में, मास्टर कह रहा देख लो अपने बच्चों की करतूतें। और हमारे डैडी के पास एक ही डायलॉग, इसको जैसे चलाना है चलाओ, ये लो मेरी बेल्ट। अरे एक चीज मेरे को आज तक समझ नहीं आई कि सीखना कहाँ से है। हम घर में कोई गलती करे घर वाले कह रहे तेरे स्कूल वाले तेरे को अकल नहीं सिखाते, हम स्कूल में कोई गलती करे स्कूल वाले कह रहे तेरे घर वाले अकल नहीं सिखाते। और ये दिक्कत तब भाई जब मैंने पहली बार नकल मारी, आप में से मारी रशील, यू नो व्हाट इज नकल? चीटिंग करी आपने कभी? हाँ। ये मेरी कनाडा वाली अंग्रेजी है, कनाडा नहीं हमारा कनाडा। चीटिंग करी आपने कभी? चीटिंग? हाँ। सुंदर लड़कियों का पता ही नहीं लगता। इनके चक्कर में ना 10-15 लौंडे जो है ना वो फेल हो रहे हैं, बाबा इसको पास करवाना, हमारा तो अगले साल भी चल जाएगा। नकल मारने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है किस्मत। अच्छा, कि जो जुगाड़ खाना आप घर से लेके गए हो छोटा छोटा करा के, वो पेपरों में आता कि नहीं आता। मेरा 100 नंबर का पेपर, 5000 पर्चियां मेरे पास, मेरे को समझ ही नहीं आ रही करना क्या। मेरा दिल मेरे दिमाग को कह रहा है लिखना जरूरी है, काट के चेपी लगा दे। ये पहली बार सुना। उसी टाइम दिल ने वापस बोला नहीं भाई लिखना पड़ेगा। मैंने लगाया दिमाग, अब सारी पर्चियां मेरे पास हैं और उसकी बना ली मास्टर पर्ची। हाँ। अब किस्मत कब बदलती है किसी को नहीं पता। हाँ। 10 मिनट बाद फ्लाइंग आ गई, उन्होंने मेरी तलाशी ली, मेरी मास्टर पर्ची पकड़ी गई। ओ, हो, हो, हो। मेरे को डेस्क पे खड़ा किया,
तेरे ये हिमायूं का मकबरा निकाल दो लेफ्ट जुराब से बाहर। ओहो निकला। ओहो हो हो, ये राइट जुराब में पानीपत की लड़ाई हो रही है। ओए कच्चे चूही, ईस्ट इंडिया कंपनी बाहर काट दे। हाँ। कब्जा कर लेती है। ओके दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, माय नेम इज मनप्रीत सिंह, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। मनप्रीत यार, तुम कहते हो मैं गांव के स्कूल से पढ़ा हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम में बहुत कमाल का कॉन्फिडेंस है। So इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम्हें पट 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 बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, तुमने बड़े आराम से अपनी कॉमेडी की। थैंक यू सो मच, थैंक्स, सैल्यूट, थैंक यू। मनप्रीत, तुम्हारा ईज मुझे बहुत पसंद आया स्टेज पे। ये बहुत अहम होता है कि आदमी जब स्टेज पे परफॉर्म करे तो वो ईज दिखनी चाहिए, वो ईज तुम में थी। योर कंटेंट वाज आल्सो वेरी गुड एंड यू वर वेरी एंटरटेनिंग। थैंक यू सो मच, कीप अप द गुड जॉब। थैंक यू। और श्रीदेवी जी, आपको इनका परफॉर्मेंस कैसे लगा? मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपका परफॉर्मेंस, और मैं आपसे बात पूछना चाहती हूँ, आपका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? मैं एक चीज बताता हूँ, हमारे घरों में जो हमारे साथ माँ बाप कर रहे हैं वो ही स्कूल में हो रहा है। हाँ। घर में आप सो रहे हो और माँ बाप ये घड़ियाल की तरह पड़ा रहता है। हाँ। कुछ खा लो, ये एक सांड की तरह खाता रहता है। आगे से कुछ बोल दो, ये कुत्ते की तरह भौंकता रहता है। और यही सब स्कूल में हो रहा है। हाँ। स्कूल में देख लो, हमारा सारा सिलेबस जंगल के ऊपर है। हाँ। कुत्ता लालची है ना, वो लूंबड़ी अंगूर के पास नहीं पहुंच पा रही, कौए को प्यास लगी, मैंने क्या करना है सीख के यार। एक वो स्टोरी है ना, आपने पढ़ी होगी, कछुआ और खरगोश दोनों भाग रहे हैं और खरगोश को नींद आ गई है। आप में से आई है कभी किसी को नींद भागते भागते? इस चक्कर में मैंने मिल्खा सिंह 50 बार देखी है, सर नहीं सोए, एक ही बार सोए थे, वो दौड़ नहीं थी। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए साउथ इंडियन और पंजाबी में बहुत कॉमन चीज है, जैसे हमारा होता है डोसा, आपका सोडा। हेलो, और आपने बोला यू आर फाजी, वी आर आयोजी। यू नो, बहुत अच्छा लगा, सो कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.